दीवान सिंह जी ऋषभ जाना मत, एक मिनट काम है थोड़ा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को आज बाबा साहब की 130वीं जयंती है। बाबा साहब को आज हम लोग याद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष अमरीन के राज सिंह जी हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी से हर मंडल स्तर पर बूथ लेवल तक हम लोग इस दिन को मना रहे हैं और आज रात को भी हमारे जो नेता हैं समरसता दिवस के रूप में इसको हम मना रहे हैं और हम लोग अलग अलग जगहों पर जाकर प्रवास भी करेंगे रात को और सुबह भी लोगों के साथ चाय नाश्ता करेंगे। इस दिन का मकसद यही है कि बाबा साहब ने जो हमें एक रास्ता दिखाया था, जो हमारे देश के लिए वो उन्होंने संविधान को निर्माण किया था और जो हमें वो देखे गए कि सबका साथ सबका विकास और जो लोग पिछड़े वर्ग के लोग जहाँ तबे कुछ लोग हैं उनको इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए ये सारी चीज़ें रास्ता दिखाया है। आज हम उनको याद कर रहे हैं क्योंकि उनके कारण ही सारा पॉसिबल हुआ है कि आज मतलब कि सभी समानता है, हम सब एकजुट होकर रह रहे हैं और ये सारे आप जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ा है और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो सबके लिए एक समान और सबके लिए एक इंसाफ देता है। तो बाबा साहब जो उस समय जो इस इतनी कठिन परिस्थितियों में इतने हाईली क्वालिफाइड थे, पढ़े लिखे थे, तो उनका जो एक योगदान है खासकर जो दबे कुचले लोग थे जहाँ छोटे बड़े के लोग थे उनको भी समानता दिवाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा एक संघर्ष किया था और हम लोगों को कंस्टिट्यूशन एक प्रावधान किया था। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं और हमारा कोटि कोटि नमन है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो हैं वो इस दिन को बढ़िया ढंग से मना रहे हैं और समरसता दिवस के रूप में आज इसको मना रहे हैं कि जो समरसता मतलब कि सबका समान विकास, सबको बराबर इक्वलिटी हम लोग दें, ऐसा इस दिन मना रहे हैं। जय हिंद। आज नीचे हमारे यहाँ मढ़ीन मंडल में कार्यक्रम चल रहा है जो अपने 14 अप्रैल को मना रहे हैं। हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जी का जन्मदिन मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं और ये हमारे राज सिंह जी द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था, हमें भी बुलाया था उन्होंने, एमएलए साहब भी आए थे हमारे कुलदीप जी और सारे और भी काफ़ी नौजवान जितने भी आए थे। आज का कार्यक्रम जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल करके आज ये दिन हम सबको देखने को मिल रहा है, इन्होंने संविधान लिखा था, 6 महीने लगे थे संविधान लिखने में और 130वां आज इनका जन्मदिन हम मना रहे हैं और बाबा साहब को हम आज सच्चे दिल से यही श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि जो भी बाबा साहब जी के जिन्होंने जो कार्य जो रहते हैं उन्हीं को थोड़ा आगे लेके चलें और जो भी आपस में भेदभाव है उसको ख़त्म करें और सबको सामान्य रूप से देख के चलें और यही आज सच्ची श्रद्धांजलि है और आज के दिन हम सब मिलकर यही एक प्रण लें कि जो बाबा साहब जी का जो बताए हुए रास्ते पे चलने का यही कहेंगे। धन्यवाद। आज मढ़ीन मंडल की तरफ से बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी जयंती का हमने आयोजन किया है उनको श्रद्धांजलि के लिए। हम आज के कार्यक्रम में हमारे DDC जो मेंबर करण कुमार अतल जी और हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी जो MLA और कुलदीप कुमार जी हैं। आज मढ़ीन मंडल में बाबा राव जी की जो जयंती है पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे वार्ड में मनाई जा रही है। हम इस आज के दिन के लिए सभी जनता को उनकी तरफ से उनकी जयंती पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, उनकी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।